वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ढेर सारे इफ्तार पार्टी के लिए स्प्रिंग रोल बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें यहाँ हमारा पैन प्रीहीट हो रहा है, इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन। अगर आप चाहें तो चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोटा हुआ भी डाल सकते हैं, फील फ्री। और इसे अब हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम है और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन जो कि 2 पाउंड है, 1 किलो के आसपास, जिसको सिर्फ नमक डाल के उबाला था। अच्छे से मिला लेंगे चिकन को और गार्लिक को, चिकन को नहला देंगे गार्लिक में। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, हमारी तेज नहीं है, अगर आप चाहें तो कम डाल दें, लेकिन इतनी क्वांटिटी में इतनी तो चाहिएगी। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। वैसे तो मैंने कई तरह के रोल्स बनाए, इस वक्त आप बिल्कुल ही हट के बना रहे हैं ताकि इफ्तार में लोगों को मज़ा आ जाए। चले अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हॉइसन सॉस, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप करें। दो टीस्पून सोया सॉस, एक टेबलस्पून किसी भी तरह का हॉट सॉस, मेरा सराचा है, अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप ग्रेटेड कैरेट्स, अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ हमारे पास 1 रेड बेल पेपर है और 1 ग्रीन बेल पेपर है जिसको बारीक बारीक थिनली स्लाइस कर दिया है। अगर आपके पास रेड ना हो तब गाजर का कलर तो इनफ है, सिर्फ वो भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी, थोड़ी ज़्यादा कर दें, 2 कर लें तो बस। इसे अब हम 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। ये मिक्सचर जितना ड्राई होगा इतना ही हमारे रोल्स क्रिस्पी बनेंगे और जहाँ पानी निकला सॉगी बनेंगे। 1 मिनट के आसपास हो गया है, हमने अच्छे से बेल पेपर के साथ उसे सॉटे कर लिया है, बहुत नरम नहीं करनी है, कलर भी कायम रखना है और क्रिस्पीनेस भी। अब इसमें हम डाल देंगे पूरा हरी प्याज का एक बंच है, ग्रीन पार्ट एंड वाइट पार्ट दोनों, और यहाँ हमारे पास बंद गोभी है जो कि एक छोटी वाली थी, पूरी ये डाल देंगे और इस पॉइंट पे चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि हमें गोभी का पानी रिलीज नहीं करवाना है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, सारी सब्जियों के हिस्से का, मिक्स कर लेंगे। चले मिक्सचर को थोड़ा सा फैला देते हैं, सेंटर में थोड़ी सी स्पेस कर देते हैं, बस अब आमेजे के ठंडा होने पे मिलते हैं। देखिए आमेजा हमारा यहाँ ठंडा हो गया है और मेरे पास यहाँ रोल की शीट्स है। वैसे तो मैंने शीट बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, और अगर आपको बनानी है तो मैं उसका लिंक यहाँ दे देती हूँ कि किस तरह से बनाई थी मैंने। तो 1 शीट लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे कि नोक यहाँ भी हो, नोक यहाँ भी हो। फिर 2 टेबलस्पून जितना मिक्सचर लेंगे, क्योंकि इफ्तार पार्टी के लिए है ना, तो इसे हमें बड़ा रीजनेबल बनाना है, तो ये मिक्सचर इस तरह से रखेंगे।
और उसके बाद इसको यू रोल करेंगे और फिर यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके खींच लेंगे। खींचने के बाद टाइट सा रोल यू करेंगे और फिर जब हाफ वे पहुँचेंगे, ये जैसे हाफ वे ना, ये देखें मेजरमेंट ले लेंगे कि हाफ यहाँ आ रहा है हमारा, और उसके बाद इसको यूँ पलटेंगे, इसको यूँ पलटेंगे, यहाँ लई लगाएंगे। लई जो है जितना आटा लेंगे इतना ही पानी लेंगे और उसे घोल लेंगे, चाहे 2 टेबलस्पून हो चाहे 4 हो, और यहाँ लई लगाएंगे और इसको टाइटली रोल कर देंगे ऐसे। हाउ सिंपल एंड ईजी। तो बस इस तरह से धड़ा धड़ कर लेंगे ढेर सारे। तो ये लास्ट भी हमारा हो गया और अब इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो मैं इफ्तार करके आपसे मिलती हूँ ताकि रोल भी ट्राई कर सकूँ। इफ्तार हो गया है, मज़ा आया, जल्दी जल्दी आ गई हूँ। यहाँ मैंने तेल रखा हुआ है, चूल्हा मीडियम लो कर देते हैं, मीडियम हाई पे गरम किया था। बाकी ज़िपलॉक बैग में भर लेंगे। फर्स्ट 1-2 मिनट जो है वो हम मीडियम लो पे फ्राई करेंगे और फिर लास्ट 1-2 मिनट मीडियम हाई कर देंगे। दो बैचेस में कर लेंगे। क्राउडेड जब होता है ना, जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो क्रिस्पी करारे एकदम बनाने हैं तो थोड़े थोड़े बैचेस में करें, अगर ऑयल बहुत ज़्यादा है तब ज़्यादा डाल दें। और अब हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। ढक के इसे फ्रीजर में रख देते हैं। 55 के आसपास बने हैं और लेस देन मिनट में जो है वो एक रोल बना है। देखिए सुनहरा खूबसूरत सा कलर हो गया है, तो अब निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा सेकंड बैच भी हो गया। तो देखा कैसे झटपट हमारे 50-60 स्प्रिंग रोल बन गए, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। खतरनाक है, टेस्ट बेहतरीन है, क्रिस्पीनेस माइंड ब्लोइंग है। आप लोग जब बनाएंगे जब आप लोग पता चलेगा कि मैं क्या खा रही हूँ। दिस इज सो अमेजिंग, ये आप लोग के लिए। देखा आपने कैसे क्रिस्पी हैं। और ये आप लोग के लिए। खतरनाक, मज़ा आ गया। तो बनाना बनता है, तो चलिए जल्दी जल्दी जाए बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।